चिल्लाना ये वो, क्योंकि कई लोग ड्यूल पर्सनालिटी होते हैं, घर में डिफरेंट होते हैं और ऑफिस में डिफरेंट होते हैं, ये होता ही है। हार्ट का प्रॉब्लम तय है क्योंकि सूर्य है, सूर्य जब होता है बहुत ज्यादा, देखिए हार्ट अटैक कब आता है, जब गुस्सा, जब हम बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाते हैं तो हमारी हार्ट भी टक 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 करती है ना, और उसी बीच में एक बार ढक हो जाती है, तो ढक हो गई, मतलब हार्ट बीट की जो पंपिंग है वो एक बार अगर रुक गई तो समझ लो रुक गई, ठीक है। अभी सिर्फ एक पॉइंट सही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है क्या? क्योंकि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनको वो जब बात करते हैं तो मुझे लगता है कि वो नेगेटिव ज्यादा लगते हैं कंपेयर टू उसे, उतना चिल्ला चिल्ला के बात तो नहीं करते हैं, लेकिन नेगेटिव हाँ उनके क्यों, थॉट्स में, बात अगर नेगेटिव करें या ना करें लेकिन पता चल जाता है कि पता उनके चल थॉट्स जाता में है, नेगेटिविटी बहुत है, राइट, वो ये शब्दों से पता पता चल चलता जाता है कि सामने वाला व्यक्ति इसको पॉजिटिव बोल सकता था, परंतु वो उसमें भी कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि अगर ये नेगेटिव बोल रहे हैं या इनकी फीलिंग नेगेटिव है, ये प्रॉब्लम आती है। है। और किसी ने बोला था तो क्या, जिन्होंने कहा था क्या आपने देखा है उनको ऐसा होते प्रॉब्लम, ये तीन चीजें मिलती हैं। नहीं आपको पता होगी ना, तो आप जिनको हार्ट अटैक आया है या जिनको हार्ट से, जैसे प्रीति जी ने शेयर किया, आप लोगों को भी मैं वही कहूंगा, आपको पता है आप उनसे एक बार डिस्कशन जरूर करना। आप उनसे डायरेक्ट पूछोगे तो वो बोलेंगे कि ये आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप उनके किसी रिलेटिव से पूछ लो या फिर आप उनके उनकी वाइफ से पूछ लो, उनके बच्चे से पूछ लो कि आपको फादर को, फादर हो कोई भी एक्सपायर्ड है तो क्या बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के बात करते थे, या ये जो भी बात करते हैं वो लाउड ही बात करते हैं, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ चिड़चिड़ करते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि हार्ट का प्रॉब्लम वहीं से आता है। हाँ सर, आप परफेक्ट बोल रहे हो सर, ये अब्यूजिंग लैंग्वेज भी बहुत यूज करते हैं। हाँ वो मतलब इंसान ना गुस्सा मतलब इरिटेट हो जाए इतना, मैं इसको इतनी श्योरिटी से क्यों कह रहा हूं पता है, मैंने इस पे कम से कम 800 से 900 लोगों के ऊपर R&D करी है। हमारे यहाँ हार्ट का हॉस्पिटल है, वहां जाते हैं हम लोग, अभी की बात नहीं कर रहा, 2015 की बात बता रहा हूँ। तो जब हम लोग, मैं मेडिटेशन जब मैं सीख रहा था हीलिंग, तो बोला जाता था कि इनको ये प्रॉब्लम होती थी, तो मैं थोड़ा सा दिमाग हमारा मेरा अलग है, मैं आप लोगों को देखो मैं बोलता हूँ ना, मैं दो चीजें बोलता हूँ, ये भी कर लो ये भी कर लो, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो ये करके देखना आपको पता चल जाएगा। मैं इतने 101% क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो मेरे टेस्ट किया हुआ है, खुद के ऊपर नहीं दूसरे के ऊपर। कई लोग लॉजिक लॉजिक लगाते हैं, तो मैं कह रहा करके बताओ ना जरा पता चल जाएगा, और जब बताते हैं तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग, मैं जब जाता था तो पूछते थे हम उनसे कि भाई आपको ऐसा प्रॉब्लम आया, तो हमें जो सिखाया गया था तो वो बोलते थे हाँ हम चिल्लाते थे, या अब वो सामने पेशेंट तो नहीं बोलेगा ना कि मैं गुस्सा करता हूँ, उनकी पत्नियां सबसे अच्छा बताती है, अरे हम क्या बताएं सर, ये तो ऐसा मतलब इनको मेरा नाम भी लेना है ना तो पड़ोसन का भी नाम सेम होगा तो ये बोलेगी मेरे को बुला रहे हैं, मेरे बच्चे का नाम भी लेना तो पड़ोसन को लगेगा कि मैं अपने बच्चे को नहीं है मेरे बच्चे को बुला रहे हैं, तो इतना लाउड और गुस्सा करना, इसलिए इनका हार्ट फट गया। हम तो यही बोलते लैंग्वेज में कि बस इन सर, चीजों मेरी मदर को जैसे हार्ट अटैक आया है तो वो काफी लाउड बोलती हैं, लेकिन वो मतलब नेगेटिव नहीं लगी, वो तो बहुत उनकी विल पावर स्ट्रांग है, वो तो मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल ऐसा उनका नेचर है। बट बाकी वो चिल्लाती बहुत थी, हमको बहुत डांटती पूरे बचपन में, और वॉइस भी लाउड है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन नेगेटिव मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैंने क्या बोला, बिकॉज तीन आपने बातों को समझा ही नहीं ना, आपने बातों को समझा ही नहीं, मैंने कहा तीन पॉइंट मैच कर सकते हैं, तीन में से कोई ना कोई एक मैच करेगा ही करेगा, अब तीनों के तीनों मैच करे वो जरूरी नहीं है, ठीक ओके है। ओके हाँ जी तीन जैसे कहते हैं ना सिम्टम्स मैच किया, क्या मतलब आपको ये प्रॉब्लम है, तो वो हाँ जी सिम्टम्स, ये तीन चीज के सिम्टम्स आते हैं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक ओके है। तो कहीं ये सर, तीन में से कोई ना कोई एक मैच डेफिनेटली करता है, तो यस उसको सर, हार्ट का आप बोल रहे हो वो सारा सही है एकदम, मतलब मैंने भी रिलेट किया है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनका मतलब भी कुछ ऐसा होता है। हाँ कैंसर पेशेंट का ना थोड़ा दिक्कत होती है, चलिए हार्ट वाले में भी एक चीज बता देता हूँ, उनके घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे
किचन या स्टोर रूम होता है या सेप्टिक टैंक होता है, जिनको भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है या आती है, तो उनके घर पे नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वो खराब होती है। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में चार चीजें होती हैं, पहला टॉयलेट, दूसरा किचन, स्टोर रूम या फिर उस दिशा का कटा होना। ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दिखाता है कई बार, या फिर मेन डोर का होना। साउथ ईस्ट में, नॉर्थ सर सर वापस बताइए। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का हाँ जोन खराब होना, नॉर्थ ईस्ट के जोन में टॉयलेट होना, किचन होना, स्टोर रूम होना, या फिर नॉर्थ ईस्ट में मेन डोर होना, ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाता है। कैंसर की डिजीज में ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट होगा ही होगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति को कैंसर की डिजीज हो चुकी है, तो उसके घर में नॉर्थ ईस्ट की दिशा में या तो सेप्टिक टैंक होगा या फिर टॉयलेट होगा, क्योंकि कैंसर की जो सेल्स होते हैं वो बहुत ढीठ होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो वहां पे कचरा आ जाएगा तो पूरी बॉडी में कचरा फैल जाता है। ठीक है, और कैंसर की, जिस भी व्यक्ति को कैंसर होता है, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबाता है, और उसको उसके ये फैमिली में बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर किया जाता है, उसको चेहरे उभरने बताइए, नहीं पिंक देता है, चेहरे तो अगर तो इसीलिए वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है। घुटता रॉड पे नहीं, इनको चेहरे उन्हें छोड़ कोल्ड है तो आउट सर, क्या इसीलिए, कोल्ड चले पते एक तेरी सेकंड ऐसी क्यों करना। सुनीता मैम आप म्यूट कर लीजिए, मैंने कर दिया। तो वो व्यक्ति क्या होता है, बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, तो उस व्यक्ति को लाइलाज बीमारी हो जाती है, जैसे कैंसर। और वो फिर उसके मन में बार बार यही चलता है कि अब मैं मर जाऊं तो ज्यादा अच्छा है, मेरी कोई अस्तित्व नहीं है, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग ऐसा, लोग वैसा, ये वो, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव बोलेगा, नहीं वो शो ऑफ नहीं करेगा कि मैं नेगेटिव हूं, बट अंदर से वो पूरा का पूरा खोखला हो जाता है। तो कैंसर की डिजीज जिसको होती है, वह व्यक्ति अंदर से पूरा खोखला हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हर बार कहता हूं कि मन में किसी के प्रति भी घृणा का भाव है ना, तो कैसे भी करके उसको रिलीज एंड लेट गो करना चालू कर दो, माफ कर दो, पकड़ के रखोगे तो बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में है किसी को, दीदी है मेरे, तो क्या उनको मैं ये जो स्वर विज्ञान है उनको इसमें कोई हेल्प कर सकती हूँ? ठीक हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं आप। स्वर है विज्ञान की मैं उसको बोलो वीडियो देखे, उससे रिलेटेड जो भी उसको उसकी लाइफ में जो चीजें चाहिए होंगी वो उसको कनेक्ट कर लेगा। अब क्या आप पर्टिकुलर कोई चीज बताओगे ना, ये तो हो सकता है वो आपकी बातों को ना माने। एक एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि आप अगर किसी को बोलते हो ना कि आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो, और वो आपका बहुत क्लोज है, वो आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? वो बोलेगा वाह, 2 दिन हुआ नहीं, 2 दिन पहले तो तुम्हें कुछ पता नहीं था, अभी तुम बड़े ज्ञानी बन रहे हो। ठीक है, तो मैंने ये क्लास इसलिए स्टार्ट करी है कि आप लोगों की लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, तो एटलीस्ट आप अपने किसी फ्रेंड को, अपने रिलेटिव्स को, हमारे ग्रुप के बारे में बता दो। इस क्लास का मैंने कल भी कहा था, परसों भी कहा था, मैं इस क्लास के कोई चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। और आप खुद देख लो, जो जो फर्स्ट डे से ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कहीं भी कोई भी ऐसी चीज छुपाई है या मैंने कहा है कि नहीं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा? जिसने भी जो क्वेश्चन पूछा है मैंने खुल के बोला है। क्यों? क्योंकि मैं ये क्लास फ्री में देना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस विद्या को व्यक्ति सीखे, जाने, अपना अच्छा करे, अपने परिवार का अच्छा करे, अपने फैमिली का अच्छा करे। क्योंकि कहीं ना कहीं पैसा तो हम कमा ही लेते हैं, ब्लेसिंग्स भी कमाना जरूरी है। इसलिए मैंने पहली क्लास में भी बोला था, दूसरी में भी बोल रहा हूँ, आज फिर कह रहा हूँ, आपको जो वीडियो भेजी जाती है, आपके पास जो भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, आप रेंडमली उस लिंक को उठा के वहां पे ग्रुप में भेज दो, और लिंक का भी भेज दो। अगर जिसको ज्वाइन करना होगा वो ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है यूनिवर्स। कैसे बताता हूँ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, और वो एक अच्छे व्यक्ति को खोज खोज की तलाश में है, और वो यूनिवर्स को बार बार कह रहा है कि ये भगवान मुझे कोई अच्छा आदमी दे दे जो मुझे सही ज्ञान दे दे, भगवान मुझे कोई अच्छा आदमी दे दे जो मुझे सही ज्ञान दे दे। वो यूट्यूब में सर्च कर रहा है,
वो दुनिया भर की चीजों को सर्च कर रहा है। सर्च करने के बाद उसको लगा कि हाँ यार ये व्यक्ति अच्छा है, उसने उसको कॉल किया। कॉल करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आपकी हमारी फीस है 25,000 रुपये, आप दे देना हम आपको ठीक कर देंगे। वो व्यक्ति थक जाता है। कई लोग ऐसे टूटे हुए हैं मेरे पास, कई लोग ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि सर मैं फलानी जगह पे गया, मुझे 50,000 रुपये लग गए, मेरे 1 लाख रुपए लग गए, मैं 2 लाख रुपए का चंदन लगा के बैठा हूँ और अभी भी घिस ही रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ आज से चंदन लगाना बंद कर दो, मैं आपको खुद का चंदन बनाना सिखा दूंगा। तो अब मान लो किसी को आपने लिंक भेज दिया, उसने 3 वीडियो देख ली, उसको क्या लगेगा कि यार जिस व्यक्ति को मैं खोज रहा था वो तो ये है, मैं नहीं हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूं। वो यूनिवर्स उसको मेरे साथ कनेक्ट कर देगी। और सबसे पहले जो आशीर्वाद मिलेगा वो किसको मिलेगा, आपको या मुझे? किसको मिलेगा बोलो भाई? हमें हमको हम आपको मिलेगा। वो आप सबसे पहले वो मिलेगा, थैंक बन यू आपने मुझे ऐसे व्यक्ति से जोड़ दिया, या आपने मुझे ऐसी क्लास से जोड़ दिया जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स आपको मिली, और आपको थैंक यू मिलेगा तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे। ठीक है, क्यों बोलोगे थैंक यू? क्योंकि उसके जीवन में कुछ अच्छा होगा और वो आपको थैंक यू बोलेगा कि यार बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे जीवन में उस क्लास से मेरी लाइफ चेंज हो गई। तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि सर थैंक यू, आपने मेरे फ्रेंड का या आपने मेरे जीवन में कुछ अच्छा कर दिया, आपको धन्यवाद। इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो खरीदी और बेची नहीं जा सकती, वो है शुक्रिया का, धन्यवाद। इस यूनिवर्स में आप भगवान को लड्डू चढ़ाते हो, आप भगवान को फल चढ़ाते हो, आप भगवान को दीप धूप फूल दुनिया भर की चीजें चढ़ाते हो। अरे जिसने दिया उसी को ही तो चढ़ा रहे हो। आप क्या बनाए, आप जरा सोचो आपने जीवन में क्या बनाया। आप अभी जैसे सावन गया है, अभी दिवाली आ रही है, लक्ष्मी जी को 56 भोग लगाते हैं है ना, घी मतलब हम लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम बढ़िया खीर बनाएंगे, हम उनको दुनिया भर की चीजें देते हैं। तो आप ये लगा लो कि वो बनाया किसने, आपने बनाया या उन्होंने खुद से क्रिएट किया? उन्होंने खुद से क्रिएट किया ना, आप तो माध्यम बने। क्या वो खीर जो आपने बनाई वो देवी माँ खाएंगी? नहीं, थोड़े देर के बाद आप उठा के खुद ही उड़ाएंगे। सही सही है या गलत है? वहां है, बिल्कुल बात आ जाती है शुद्ध भावना। अगर आपने शुद्ध भावना से मन से, जिसको हम कहते हैं मानस पूजा, कभी मौका मिला ना तो मैं आप लोगों को मानस पूजा के बारे में बताऊंगा। YouTube में आपको बहुत ज्ञानी मिलेंगे मानस पूजा वाले, परंतु मैं जो मानस पूजा बता दूंगा लिटरली कह रहा हूं, आप मंदिर जाना कम कर दोगे, बंद तो नहीं करोगे, मगर जो मानस फील आप मानस उस पूजा जगह सर, बैठ के करोगे। मानस पूजा, मानस पूजा मतलब मानसिक पूजा, जो फील आप वहां बैठ के करोगे ना, वो आप मंदिर में वैसा फील नहीं कर पाओगे जो आप अपने कमरे में बैठ के, आप अपने चेयर में बैठ के फील कर लोगे। तो इम्पोर्टेंट यही है। तो हमें जब भी कोई भी चीज हम भगवान को समर्पित करते हैं ना, तो सब कुछ उनको धन्यवाद करना चाहिए। एक दो एग्जाम्पल छोटा छोटा देता हूँ फिर खत्म करूंगा। हम जो भगवान शिव को दूध चढ़ाते हैं, क्या वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर दूध है या झूठा है? झूठा झूठा है। है, गाय झूठा है। कैसे झूठा है? के पहले बछड़े ने उसको बछड़े को, पहले कभी पिया गाय के बछड़े ने उसको पिया, उसके बाद हम शिव जी को चढ़ाते हैं। जो हम भगवान को पुष्प चढ़ा रहे हैं वो पुष्प झूठा है या नहीं? है? हाँ हाँ झूठा है। सर, हाँ सर, कैसे उसको झूठा है? भंवरे ने और तितली ने चुरा है पहले, हाँ, उसको भौरे ने, तितली ने, उसको मधुमक्खी ने। मक्खी ने उसका रस ले लिया, तो वो झूठा हो गया। तो इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो झूठी ना हो। और हम सर दो ही चीजें हैं, एक नारियल और एक केला। मैं ना तर्क वितर्क में नहीं जाऊंगा, क्षमा चाहूंगा, बट बताना चाहूंगा कि वो भी कहीं ना कहीं झूठा है। ठीक है, तर्क वितर्क आ जाएगा, इसलिए जो 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 कहते हैं मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल ये सही है। वहां ओके सर, सबसे इंपॉर्टेंट है भाव। अगर आपने उस चीज को शुद्ध भाव से चढ़ा दिया और भगवान को धन्यवाद कर दिया कि भगवान मैं ये श्रीफल आपने दिया, ये श्रीफल मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं आपको बड़े प्रेम से चढ़ाता हूं, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और एग्जाम्पल देता हूं बड़े मजे का।
जब हमें खुद का, जैसे हम मंदिर जाते हैं ना, मैंने देखा है ऐसे कई लोगों को देखा है, जब हम मंदिर जाते हैं और खुद को खाने के लिए ना मिठाई लेनी रहती है, मतलब लड्डू, तो लोग क्या करते हैं, देसी घी का लेते हैं कि 1 किलो देसी घी का लड्डू दे दो, क्योंकि हम, उनको पता है मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा। और जब किसी ने कह दिया कि आप कोशिश, आप जैसे मैंने कह दिया कि 5 किलो बेसन के लड्डू का दान करना, तो क्या होता मालूम है, जब हम जाते हैं ना तो वहां कहते हैं भाई डालडा वाला लड्डू कौन सा दे दे, 5 किलो बांटना है। कई लोग ऐसा करते हैं, जो हमें खुद को खाना है ना हम अच्छा खरीदते हैं, और जहां बांटने की बारी आ जाती है गड़बड़ कर देते हैं। अब कई लोग होते हैं, भगवान देख लेना 1 किलो लड्डू चढ़ा रहा हूं, मेरा प्रमोशन करा देना। भगवान भी बोलता है इतना, मैं इतना सस्ता हूं, मैं, तू प्रमोशन मांग रहा है, महीने में 5 लाख रुपए कमाएगा पर तू मेरे को 500 रुपए का लड्डू चढ़ा रहा है, फिर भी भगवान दे देता है, क्यों? वहां शुद्ध भावना है, ठीक है। तो इसलिए मैं इतनी लंबी स्टोरी इसलिए बताया क्योंकि दुनिया में पैसा आया है और गया है साथ में, लेके कोई नहीं जाएगा, मगर एक थैंक यू एक ऐसी चीज है, कल को मान लो मैं बाद में मरा, आप लोग पहले मर गए, तो ऊपर जाओगे ना तो वहां बोलोगे ये सर को इधर साइड में ले आओ, ये अच्छे थे, इन्होंने हमें अच्छा ज्ञान दिया, ठीक है। तो वहां से ना मेरा ना ऊपर में क्या रिजर्वेशन पहले से बुक रहेगा, पहचानोगे फिर मुझे, ऐसे तो नहीं पहचानोगे, सोल, आपकी सोल मेरी सोल को कनेक्ट करेगी, यानी ये सोल अच्छी थी, इस सोल ने मुझे लाइफ में कुछ अच्छा किया, तो इनको मेरे साइड में दे दो, 2 4 दिन हम इनकी सेवा करेंगे, उसके बाद फिर आप ले जाना, ठीक है। तो चलिए, कोई कुछ पूछ रहा था, किसी ने हैंड रेस किया था, फिर खत्म करते हैं क्लास को। सर, सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कल से ज्वाइन किया, मुझे मालूम भी नहीं था आपके बारे में सर। मेरा एक दोस्त है जिन्होंने फॉरवर्ड किया मुझे, जी जी और कल से मैंने ज्वाइन किया, और आपके जो सबे दोपहर को जो रिकॉर्डिंग मिला उसमें से दो तीन देखा है मैंने। पहली बार आपको, आपका क्लास ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत दिल से पढ़ाते सर आप, थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। शुक्रिया। मैं इसीलिए चाहता हूं कि आप लोग और लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों का भला हो, बस और कुछ नहीं। जी रमा जी बोले, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप म्यूट है, सर म्यूट कर म्यूट लीजिए। हाँ हो गए सर। सर थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू हस्मिता जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, आज हमारे ग्रुप में शेयर किया हस्मिता जी ने, तो मैं आज पहली बार ही आपके सामने आई हूँ, नहीं पता था ये ग्रुप के बारे में, तो अच्छा लगा सर। मैं अभी भी पूरा सुन नहीं पाई, मेरी सिस्टर लास्ट ईयर शी पास्ड ऑफ, तो अभी उसके बेटे का कॉल था तो मैं वो अवॉइड नहीं कर पाई, बट मैं रिकॉर्डिंग देख के कल बिल्कुल तैयार होकर बैठूंगी। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, मैं अगर कोई क्लास नहीं कर पा रहा है आप रिकॉर्डिंग भी देख लोगे ना आपको बहुत मजा आने वाला है। हाँ जी सर, इसमें हम लोग ये स्वर विज्ञान के थ्रू कैंसर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक तो इस पे मैंने R&D करी नहीं है, मेरा प्रैक्टिस इसमें चल रहा है, 100% तो नहीं कह सकता परंतु 50% रिजल्ट ले सकते हैं, ओके फिफ्टी और सर परसेंट हेयर फॉल के लिए भी हम कुछ कर सकते हैं, किसके लिए, बाल बाल झड़ने की ये वजह रेमेडी से। मैंने दी है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक ओके ओके है सर, जी। सर मैं वो शेयर, घुटने के बारे में पूछना चाहता था। उसमें भी आपको चंद्रस्वर ही चलाना है, ओके सर। ठीक है। अगर किसी को नीक पेन हो रहा है तो चंद्रस्वर, घुटने में दर्द होना सर चंद्रस्वर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए भी चंद्रस्वर या सूर्यस्वर? चंद्रस्वर नहीं, गैस का प्रॉब्लम है, गैस बढ़ गई बॉडी में तो सूर्य एक्टिव हो गया ना, चंद्रस्वर चलाए। सर अस्थमा के लिए? अस्थमा के लिए सूर्य स्वर बताया था ना अभी, आप लोग ना फिर कहूंगा जो रिकॉर्डिंग डल रही है, जब भी खाली समय मिले एक बार थोड़ा सा स्किप स्किप कर करके आप देख लोगे, आपका एक बहुत प्यारा सा रिविजन हो जाएगा। फिर आने वाले समय में कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, यार मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो आप बोलोगे सर मैं बता दूं क्या, इनको ये दर्द है इसका, ये वाला चलाना है, या इनको ये प्रॉब्लम है ये चलाना है। मैंने तो अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इसको, इस क्लास को मैं थोड़ा लंबा लेके चलूं, करीब 10 दिन लेके चलूं या 12 दिन लेके चलूं, जैसा भी, अगर ग्रुप में लोग बढ़ते जाएंगे तो क्लासेस लंबी होती चले जाएंगी, ग्रुप में लोग कम होते चले जाएंगे तो क्लासेस छोटी होती चले जाएंगी, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि देखिए मेरा इंटेंशन है प्योरेस्ट ऑफ द प्योर भाव से देने का, ठीक है, और जिनका इंटरेस्ट होगा प्योरेस्ट ऑफ द प्योर भाव से लेने का मैं दे दूंगा,
और मैंने कहीं भी वो नहीं करना है कि नहीं कम है तो जो ज्यादा है, जितना देना है वो तो मैं दे ही दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर करके छोड़ दो बस। जिसको आना होगा ना तो अपने आप आएगा, और जब आएगा ना, और यकीन मान के चलना, अगर वो 2 क्लास ज्वाइन कर लिया, जैसे रमा जी आप आया, आज आप आए हैं ना, आप क्लास देख लोगे ना, उसके बाद आप जिन्होंने जिन्होंने भी आपको लिंक भेजा है ना, आप 101% उनको आप थैंक यू जरूर बोलोगे, एक आज सौ एक मेरा भी परसेंट दूसरा दिन है सर। थैंक हाँ यू जी आप दोनों को भी, मेरे दोस्त ने जिसने भी लिंक भेजा, और आपको भी सर, आप तो बहुत दिल से पढ़ाते। भाई, पहली बार देखा सर फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सब डिटेल में, और हर एक का क्वेश्चन देना, मैं पहली बार देखा सर। थैंक यू मेरे दिल से सर, दिल से आपको थैंक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज की क्लास को हम फिर यहीं पे विराम देते हैं, फिर कोशिश करता हूँ कल मिलते हैं, ठीक है? नमः शिवाय। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।